परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, आप पता है समझ आया अगर बताया तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी भी देखा सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं आपको ये सीरियस लग रहा है तो देख लो भाई क्या है कि यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई लगता है रात 3 बजे आकर हम भूल गए, फिर हम डर गए बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल गए, एक बैग लेकर जो काला बैग वही वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब नहीं, किस बात का डर था तुम्हें, कुछ कुछ है क्या प्रॉब्लम पुलिस से? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, माइंड में है किस चीज़ का, कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट नहीं? मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि क्या है सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया क्या या कुछ भी सोचो तुम्हारे कुछ भी शादी हो गई कुछ केस वेस किया क्या आप सोच रहे दिमाग लगा रहे क्या बात है? मेरा नहीं कुछ कुछ लग नहीं रहा, एक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसने किराए जा रहे उनका काम करके हम सोचे कि फॉर इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर कोई भी प्रिंसिपल ना हो दवा खाने चौकी है वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर में? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए थोड़ा खराब हो जाए न्यूज के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई कटरी में दुकान वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 4,500-5,000 रुपये का सामान था टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से रगड़ है, टेम्पो में रगड़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व है गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है गोरखीनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पर हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, तमाम काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन उसके लिए मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों का जुल्म हो रहा है कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में बोला कर ही दो भाई हम ही बीड़ा उठा लें बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ सब कुछ ले गए किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे घर से निकल के आगे मानो सुन के हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई उसमें आँखें मेरे पूरी सी गई। नेपाल में भी थे सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी जहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर बताए सेवन पार्क रोड अभी आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्चेंडाइज 5,000 रुपये का टोपी इधर ही सब तरह का सामान खरीद सकते हैं कार्मेंट्स के बगल में तो लिखा था उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत छूट गई।